हाँ तो बच्चों, आज जो है रसायन विज्ञान कक्षा 12 का जो चैप्टर चालू होने जा रहा है कार्बनिक रसायन का, उसका नाम है एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न। इसको हम हैलो एल्केन भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है, इसको हम कह सकते हैं एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं, एल्किल हैलाइड। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर को हम तीन नामों से जानते हैं, एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न भी कहते हैं इसको, या इसको हम हैलो एल्केन भी कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं एल्किल हैलाइड। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसको पहचानेंगे कैसे कि ये एल्केनों का हैलोजन व्युत्पन्न है या हैलो एल्केन है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न का सामान्य सूत्र क्या है। इसका जो सामान्य सूत्र होगा वो होता है CnH2n+1 × x। CnH2n+1 × x, जो n है यहाँ नीचे, जहाँ n बराबर कार्बन परमाणु की संख्या है, ये n बराबर कार्बन परमाणु की संख्या। तो एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न या हैलो एल्केन, या जिसको हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n+1 × x। जो यन है यहाँ पर, यन है कार्बन परमाणु की संख्या। इस सूत्र को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर यक्स भी कह सकते हैं। आर जो इसमें हमारा है, ये आर इसके स्थान पर लगा हुआ है CnH2n+1, तो आर जो हमारा है वो एल्किल ग्रुप है और जो यक्स है वो हैलोजन ग्रुप है। तो इसीलिए इसको कहते हैं एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न। जैसे मान लीजिए इसमें हम यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या को अगर एक कर दें, एक रखा जाए, तो इसका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा C1H2, फिर n की वैल्यू यहाँ पर कितना करेंगे, 1+1 × x। का मतलब है कोई भी हेलोजन हो सकता है। हेलोजन का मतलब है, यहाँ लिख देते हैं, जहाँ r इक्वल टू है ये एल्किल समूह और x इक्वल टू है हेलोजन। ये हेलोजन में फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर इस सूत्र में हमने n की वैल्यू एक रखा तो ये बन गया C1, यहाँ पर भी n के स्थान पर एक कर दिया तो 2 × 1 हो गया, +1 हो गया, और यक्स के स्थान पर चाहे फ्लोरीन रखा जाए, चाहे क्लोरीन, चाहे ब्रोमीन, चाहे आयोडीन, मान लें यहाँ पर हमने रख दिया Cl, तो इसका जो फार्मूला बना, ये C1 का मतलब हो गया C, इसका गुणा होगा 2, इसमें 1 जुड़ जाएगा तो ये हो गया CH3Cl। तो इसका नाम, ये जो एल्किल समूह है ये हमारा एल्किल है, R के स्थान पर लगा हुआ है CH3 और ये हैलोजन के स्थान पर लगा हुआ है Cl। तो इसका जो नाम होगा, सामान्य नाम होगा, इसका सामान्य नाम होगा मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। मेथेन का हेलोजन भी उत्पन्न है ये, क्योंकि यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1, तो जब कार्बन परमाणु की संख्या 1 है इसका मतलब ये एल्केन कौन सा है, मेथेन। तो मेथेन में से 1 हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दिया हमने और उसके स्थान पर हमने 1 हेलोजन समूह लगा दिया, तो यहाँ पर बना ये मेथिल क्लोराइड। हेलो, ये एक मेथिल क्लोराइड जो है वो हेलो एल्केन भी कह सकते हैं इसको, मेथिल क्लोराइड को एल्केनों का हैलोजन व्युत्पन्न भी कह सकते हैं। और एल्किल हैलाइड, एल्किल के स्थान पर क्या लग गया, मेथिल, और हैलाइड के स्थान पर क्या लग गया, क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया मेथिल क्लोराइड। अब एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न हम कहते किसे हैं या हेलो एल्केन किसे कहते हैं, तो इसका जो परिभाषा है, ये परिभाषा ये है कि किसी भी एल्केन में से,
किसी भी एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी भी हैलोजन समूह के द्वारा कर दिया जाए, तो जो बनने वाला व्युत्पन्न होगा वो कहलाएगा एल्केनों का हैलोजन व्युत्पन्न। तो इसकी जैसे परिभाषा क्या होगी, एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न किसे कहते हैं, तो इसकी डिफिनेशन ये है कि एल्केन में से, एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन मतलब होता है निकालना, हटाना, प्रतिस्थापन किसी किसी हैलोजन समूह, किसी हैलोजन समूह के द्वारा करने पर, के द्वारा करने पर बनने वाले व्युत्पन्न को, बनने वाले व्युत्पन्न को एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं, एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि किसी भी एल्केन से, एल्केन कोई भी हो सकता है, मेथेन भी हो सकता है, एथेन भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है, कोई भी एल्केन हो सकता है, तो किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकालना है। एक के अलावा भी निकाल सकते हैं, दो भी निकाल सकते हैं, तीन भी निकाल सकते हैं, तो किसी भी एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन समूह, किसी हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, एक हाइड्रोजन परमाणु निकालना है और उसके स्थान पर हमको लाना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो जो बनने वाला व्युत्पन्न होगा, जो बनेगा उसको हम कहेंगे एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न। एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न को हैलो एल्केन भी हम कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है एल्किल हैलाइड। तो इसके तीन नाम हैं, एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न भी कह सकते हैं, हैलो एल्केन भी कह सकते हैं, या इसको हम एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, सामान्य सूत्र ये लिखा हुआ है CnH2n+1 × X। ये जो पूरा समूह है ये हमारा एल्किल समूह है, तो इसको हम लिख सकते हैं CnH2n+1 के स्थान पर हमने लिख दिया R। तो इसका सामान्य सूत्र ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, जहाँ R है, जहाँ R कोई भी एल्किल समूह है, जैसे यहाँ पर क्या लग गया, मेथिल, और X जो है वो कोई भी हैलोजन समूह है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न की ये परिभाषा हुई। इसको अगर रिएक्शन के रूप में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, इसको अभिक्रिया के रूप में ऐसे लिखेंगे हम, एल्केन, एल्केन, तो एल्केन को सामान्य रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं आर एच, ये हमारा कोई भी एल्केन हो सकता है, एल्केन हो गया ये। अब इसमें से इस हाइड्रोजन परमाणु को क्या करना है, हटाना है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस एच, हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया हमने, और यहाँ पर हमने ला दिया कोई भी हैलोजन समूह एक्स, एक्स का मतलब जो बताया मैंने अभी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है। तो जब यहाँ से एच हट जाएगा और यहाँ पर ये एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा हमारा जो सूत्र होगा वो बनेगा आर एक्स। इसी को हमने क्या कहा, हैलो एल्के, या एल्केनों का हैलोजन व्युत्पन्न, या इसी को हम कह सकते हैं एल्किल हैलाइड। अब जैसे यहाँ पर हमने R के स्थान पर अगर हमने ले लिया मेथिल, तो ये हो गया CH3 मेथिल हो गया R के स्थान पर, और यहाँ पर हमने H लगा दिया, तो ये हमारा एल्केन कौन सा बना, ये हो गया H, अगर इसमें ऐड हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, CH4 मेथेन, तो ये हो गया मेथेन, कौन सा एल्केन हुआ, ये मेथेन।
क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, एक, तो ये एल्केन का नाम क्या हो गया, मेथेन। अब इस मेथेन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हमने हटा दिया और यहाँ पर मान लिया हमने ला दिया क्लोरीन, हैलोजन के स्थान पर हमने ला दिया क्लोरीन। तो यहाँ पर जो हमारा व्युत्पन्न बना वो बना CH3Cl, मेथिल क्लोराइड। तो एल्केनों का हैलोजन व्युत्पन्न का मतलब यह है कि कोई भी एल्केन हमको लेना है और उस एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु को हटाना है। अब हाइड्रोजन परमाणु कितना हटाया जाए, तो किसी भी एल्केन में जितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे वो बारी बारी से एक एक करके सभी प्रतिस्थापित हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर किसी भी हैलो एल्केन में हैलोजन की संख्या देखना है, जैसे यहाँ पर हैलोजन कितना है, एक, तो ये हैलोजन एक है, तो इस बनने वाले व्युत्पन्न को हम कहेंगे मोनो हैलोजन व्युत्पन्न, मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु हटाया जाए और उस एक हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर एक हैलोजन समूह को ला दिया जाए, कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो जो बनने वाला हैलो एल्केन होगा वो हमारा कहलाएगा मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। मोनो का मतलब क्या होता है, एक, तो यहाँ हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, एक, तो इसीलिए इस व्युत्पन्न को हम कहेंगे मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। अब टोटल इस मेथेन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, चार, तो बारी बारी से इसमें चारों हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो सकते हैं। अभी यहाँ पर तीन हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को हमने प्रतिस्थापित कर दिया और यहाँ पर हमने फिर एक क्लोरीन लगा दिया, तो यहाँ पर ये CH3 था, एक H निकल गया तो ये हो गया CH2 और एक Cl और आ गया तो ये बन गया Cl2। तो यहाँ पर हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, दो, तो इस व्युत्पन्न को हम कहेंगे डाई हैलोजन व्युत्पन्न। अभी इसमें दो हाइड्रोजन और हैं, ये दोनों भी निकल सकते हैं, तो एक हाइड्रोजन जब हमने यहाँ से और निकाल दिया और यहाँ पर एक Cl हमने ला दिया फिर, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये CH Cl3, एक Cl इसमें आ गया। तो यहाँ पर हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, तीन, तीन का मतलब ये जो व्युत्पन्न हमारा बना ये हो गया ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, इसमें से एक हाइड्रोजन को हमने और निकाल दिया अगर, तो एक हैलोजन हमने यहाँ पर और लगा दिया, तो ये हमारा जो व्युत्पन्न बना अब इस हाइड्रोजन को भी निकाल दिया हमने, तो जब इस हाइड्रोजन को भी निकाल दिया तो एक हैलोजन यहाँ पर और आ गया, तो ये जो व्युत्पन्न बना ये बना CCl4। अब यहाँ से सभी हाइड्रोजन हट गया और हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, चार, तो चार को बोलते हैं टेट्रा, तो ये जो हमारा व्युत्पन्न बना इसको बोलेंगे हम टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न। इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। और चूंकि हैलोजन परमाणु की संख्या इसमें चार है इसलिए इस व्युत्पन्न का नाम है टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न। और कार्बन की संख्या कितनी है, एक, एक होने का मतलब यह है कि ये मेथेन का हैलोजन व्युत्पन्न है, ये CHCl3, इसमें हैलोजन की संख्या कितनी है, तीन, और कार्बन की संख्या कितनी है, एक, इसका मतलब ये भी मेथेन का हैलोजन व्युत्पन्न है और इसमें चूंकि हैलोजन की संख्या तीन है तो इसको बोलते हैं ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न और इसका सामान्य नाम है क्लोरोफार्म। इसका सामान्य नाम क्या है, क्लोरोफार्म, जो कि मेथेन का एक ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। तो कक्षा 12 में हमको क्लोरोफार्म पढ़ना है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी कि क्लोरोफार्म को बनाने की विधि, इसके रासायनिक गुण, इसके उपयोग, और उसी प्रकार से कार्बन टेट्रा क्लोराइड को बनाने की विधि, इसके रासायनिक गुण और इसके उपयोग, ये हमको पढ़ना है। और जो क्लोरोफार्म और कार्बन टेट्रा क्लोराइड है
ये दोनों ही जो व्युत्पन्न है वो किस एल्केन के हैं, मेथेन के हैं, क्योंकि मेथेन में कार्बन की संख्या एक और इन दोनों में भी कार्बन परमाणु की संख्या एक। इस प्रकार से एक व्युत्पन्न और हमको पढ़ना है, वो एथेन से बनेगा। तो किसी भी एल्केन में, किसी भी एल्केन में जितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे उन सभी का एक एक करके प्रतिस्थापन हो सकता है। तो किसी भी एल्केन से कितने हैलोजन व्युत्पन्न बन सकते हैं, जितना उसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। तो जैसे मेथेन से बनने वाले हैलोजन व्युत्पन्न कितने हुए, चार, क्योंकि मेथेन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी थी, चार। तो इससे सबसे पहले एक हाइड्रोजन निकला तो ये मोनो हैलोजन व्युत्पन्न निकला, फिर जब दूसरा हाइड्रोजन निकल गया तो ये डाई हैलोजन व्युत्पन्न बन गया, फिर जब इसमें से तीसरा हाइड्रोजन निकल गया तो ये ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न बना, और जब चौथा भी निकल गया तो ये टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न यहाँ पर बना, इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसी प्रकार से एक व्युत्पन्न और है, जैसे हमने ले लिया C2H6, इसका नाम है, ये कौन सा एल्केन है, एथेन, एथेन, एथेन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दिया हमने, और यहाँ पर हमने जो हैलोजन समूह लाया उसको हमने कर दिया ब्रोमीन। तो जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये बचा कितना, ये हो गया C2H5, और Br यहाँ पर ऐड हो गया तो ये हो गया Br, C2H5Br, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। कार्बन की संख्या कितनी है, दो, इसका मतलब ये एथेन का हैलोजन व्युत्पन्न है, और हैलोजन की संख्या कितनी है, एक, तो ये एथेन का मोनो हैलोजन व्युत्पन्न है जिसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। इसको भी हमको बनाने की विधि, इसके रासायनिक गुण और इसका उपयोग हमको पढ़ना है। तो एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न किसे कहते हैं, तो किसी भी एल्केन में से, कोई भी एल्केन हो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, उसमें से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन समूह के द्वारा करने पर जो व्युत्पन्न बनेगा उसको हम कहते हैं एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न। और किसी भी एल्केन में जितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे उतने ही हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होगा और उतने ही हैलोजन व्युत्पन्न वहां पर बनेंगे। हाँ तो ठीक है, आज के टॉपिक में इतना हुआ कि एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न किसे कहते हैं। एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न समझ में आ गया, तो सभी बच्चों को इसको कॉपी में लिखना है, तैयार करना है। और जो प्रॉब्लम किसी बच्चे को होगी, समझ में नहीं आया अगर कोई चीज़, तो वो मुझसे फ़ोन नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर ये है मेरा, इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके जो दिक्कत हो पूछ सकते हैं, 8858242024। तो ठीक है, आज के लिए इतना।